कैसा टेस्ट है? आइसक्रीम जैसा है। खाए हो कि बिना खाए बता रहे हो? पानी में अभी तक सारे और पानी भी नहीं कहीं दिखा। सारे जानवर सुस्त थे, बेचारा दिखा रहा है। ये देखिए एक सांप यहाँ पे है, सांप सो रहा है। देखो खाने को नहीं मिल रहा, कुछ ढूंढ रहे हैं। मार सकता है वो मोबाइल को। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चल रहे हैं चिड़ियाघर में। लखनऊ का चिड़ियाघर दिखाएंगे और हम भी देखेंगे, आपको साथ में दिखाएंगे। तो हमारे साथ में पूरा फैमिली चल रहा है, 5-6 लोग हैं। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। जाना पड़ेगा चिड़ियाघर, तो अभी यहाँ पे आ गए हैं और मेट्रो में बैठ के चलेंगे। तो आपको लखनऊ की मेट्रो भी दिखाते चलेंगे। तो चल रहे हैं अंदर, यहीं पे मेट्रो से बैठ के जाना है। तो टिकट यहाँ से ले लेते हैं मेट्रो का। प्लेटफॉर्म पे मेट्रो के, अब यहाँ पे आएगी मेट्रो, फिर उसमें बैठ के चलेंगे हम। मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं। तो ये है बाहर का सीनरी हजरतगंज। अब यहाँ पे देखिए बाहर रिक्शा भी खड़ी है, और रिक्शा से जा सकते हैं या तो ऑटो से जाएंगे। तो ये हजरतगंज का व्यू देख सकते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन के पास में। देख सकते हैं ये सामने गेट है और ये हजरतगंज में है। तो अभी चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं ब्लॉग। यहाँ पे आप ऑटो से आ सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सामने ही टिकट घर है, तो यहीं से टिकट ले लेते हैं। और ये एंट्री यहाँ से लिखा हुआ, टिकट कितने का है? 80 रुपये प्रति व्यक्ति है, 12 वर्ष से अधिक के लिए, और 5 से 12 वर्ष का 40 रुपया। तो ये देखिए हमने टिकट ले ली है 480 रुपये का, और 6 लोग हैं तो 480 रुपये हो गया। तो गाइस फाइनली आ गए हैं चिड़ियाघर के अंदर, और अब चलते हैं आपको अंदर का दिखाते हैं चिड़ियाघर कैसा यहाँ का है। पे देखिए गेंडा, जिराफ, जेब्रा, ये सब बनाया गया है, बच्चों को इस पर बैठा सकते हैं। तो और आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पे भी टाइगर बनाया गया है, ये देखिए डियर। ये देखिए डायनासोर, ये यहाँ पे टाइगर है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बाल रेल, दरियाई घोड़ा, प्रसाधन, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे जाने पे सब कुछ मिलेगा। तो चलते हैं आगे। लोग देख रहे हैं, हमने आपको
हिरन दिखाए हैं और आगे चलते हैं देखते हैं क्या मिलेगा। इधर बहुत सारे हिरन है, काला मृग है, ये देखिए सामने काला वाला है। तो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सांप, सामने ही सांप घर है वहाँ पे चलते हैं। तो हिरन हमने आपको दिखाया उसके सामने ही सांप घर है और बहुत से लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कॉमन नॉन वेनोमस स्नेक, तो ये सब सांप मिल जाएंगे यहाँ पे। तो असली वाला दिखाते हैं किस साइड। हाँ इधर है, इधर देखो, वाह कितना बड़ा सांप है, ये देखिए कितना बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है। तो और आगे चल रहे हैं, आगे भी सांप होगा शायद। हेलो सांप दिखा क्या आपको? ये देखिए एक सांप यहाँ पे है, सांप सो रहा है लेकिन गर्मी उसको भी लग रही है, हम लोग को इतना गर्मी लग रही है तो उनको कितना गर्मी लग रही होगी, इसलिए यहाँ पे पानी भी डालते हैं कभी कभी। ये देखिए पानी में एक सांप है, पानी के अंदर सांप। और आगे चलते हैं, वाह एक सांप इधर, ये देखिए कौन सा सांप है ये, किसी को पता है क्या नाम? तो बहुत बड़े बड़े सांप हमने आपको दिखाए यहाँ पे। और इधर ये देखिए कैसे कैसे देख रहे हैं। और ये सांप है भारतीय अजगर, भारतीय अजगर नाम पाइथन मोलोरस, तो इसके बारे में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। वाह यहाँ देखिए यहाँ भी सांप है, ये देखिए कितना बड़ा सांप है। और वहाँ पे पानी, जब उनको गर्मी लगती है तो पानी में चले जाते हैं। तो हमने जो आपको फोटो में दिखाए थे जितने प्रकार के सांप थे सब यहाँ पे आपको सांप मिल जाएंगे। ये लाइन में पूरा सांप है और वहाँ पे दो जगह पे हमने आपको दिखाए, तो सब छोटे बड़े जो भी सांप है यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और धूप बहुत ज़्यादा ही तेज है। तो अभी तक आपने सांप देखा, अभी आपको हम पैरट दिखाते हैं। अलग अलग कलर के यहाँ पे पैरट हैं के अंदर हैं, मतलब बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं। तो अभी और आगे चल रहे हैं, सफ़ेद पाखथा ये चिड़िया का नाम है, भारत के सूखे प्रदेशों में पाया जाता है, ये जमीन पर पड़े अनाज व बीज खाता है। यहाँ पे चिड़िया है देखिए। यहाँ पे पारिजात वृक्ष है और इसका नाम कल्प वृक्ष भी है, सब लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये कितना मोटा है और यहाँ पे लिखा गया है कल्प वृक्ष और इसको पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3D हॉल टिकट 30 रुपये में है, इसका शो चलता है और टाइमिंग यहाँ पे दिया है और यहाँ पे इसका टिकट मिल जाएगा, तो जिसको देखना है वो देख सकते हैं अंदर 3D शो चलता है। और इस तरफ जाएंगे तो बच्चों का प्ले पार्क है खेलने का, आगे देख सकते हैं फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दूर है, हम लोग चलेंगे वहाँ पे अभी घूमते हुए, थोड़ा इधर घूम लेते हैं। यहाँ पे टाइगर बनाया गया है, जेब्रा है और इस साइड में कैंटीन है, किसी को नाश्ता पानी करना है तो कर सकते हैं। देखिए चाउमीन मिल रहा है और पानी वानी सब मिल जाएगा कैंटीन में, सब यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या मिल जाएगा, पेटी चाय सिकंजी लस्सी बहुत कुछ खाने का यहाँ पे है। आएंगे तो मैं भी खा लूँगा, आइसक्रीम खा लेते हैं हम लोग। एक एक दो
कैसा टेस्ट है? आइसक्रीम जैसा है। खाए हो कि बिना खाए बता रहे हो? तो सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। 25 रुपए ले लीजिए। गर्मी है थोड़ा, इसको खाने से ठंडा ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे स्टेट म्यूजियम है लखनऊ का, यहाँ पे बोर्ड लगा है राज संग्रहालय लखनऊ, हिंदी में लिखा हुआ है। आप आगे जाएंगे तो इंग्लिश में बोर्ड लगता है, तो आप जाके देख सकते हैं। म्यूजियम यहाँ पे है, तो ये म्यूजियम का गेट है। बहुत से लोग देख के आ रहे हैं, हम चल रहे हैं। और इसका शायद टिकट लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है बोर्ड, टिकट घर राज संग्रहालय लखनऊ, तो आप वहाँ से टिकट लेके देख सकते हैं। तो 12 वर्ष से ऊपर का 12 रुपये टिकट लगेगा, 5 से 12 वर्ष तक के हैं तो 5 रुपये टिकट, और विदेशी लोग हैं तो उनको 210 रुपये। तो यहाँ से टिकट ले लेते हैं म्यूजियम देखने का, फिर चलते आगे। तो अभी हम आपको फाउंटेन यहाँ पे दिखा देते हैं। ये है तोप, और उसके सामने ही फाउंटेन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिमालय ब्लैक बियर, मतलब काला भालू देखने को मिलेगा, इसके अंदर ही है। तो देखिए काला भालू एक आ रहा है, ये देखिए दौड़ रहा है, इधर से उधर रनिंग कर रहा है। और पानी भी नहीं कहीं दिख रहा है। अंदर जाना सख्त मना है। यहाँ पे टाइगर अभी रनिंग कर रहा है, इधर चल रहा है। यहाँ पे अंदर टाइगर है, लेकिन एक ही टाइगर दिख रहा है, इधर बैठा हुआ है। देखिए वो देखो, ठीक सामने देखो, ये दोनों पेड़ों के बीच। पिंजड़े में भी आकर कमजोर नहीं होता है, शेर जहाँ भी रहे शेर ही होता है। सोया हुआ अच्छे से दिख नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पे बंगाल टाइगर है, लेकिन बहुत दूर है, और सोया हुआ है, और एक थोड़ा सा रनिंग कर रहा है, लेकिन एकदम उधर उस साइड में है, तो बहुत कम ही यहाँ से दिख रहा है। और इस साइड देखते हैं क्या है। हिमालयन काला भालू, इतना धूप है, वो लोग भी परेशान है धूप से। देखिए ये भालू खड़ा हो गया है। और ये इस साइड में सो रहा है सांबर डियर। तो अभी आपको इस टाइप का हिरन आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए कि यहाँ पे खड़ा है, सब खड़े भी तो थे, और इधर एक सोया हुआ है। सावधान मुद्रा में। अभी आपको एक न्यू एनिमल दिखाते हैं, हवा सील नाम है। पानी है, गुटर गुटर कर रहे हैं वो लोग। ये देखिए वो क्या है, हिरन है। मैं बगुले को तीर का निशाना बनाने की बजाय उसे उड़ता देखना चाहता हूँ, और किसी बुलबुल को खा लेने की बजाय उसे गाते सुनना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं एमू,
यहाँ पे है, इस झाड़ी के बीच में ही कहीं पे है। आगे बढ़ गए, वो देखिए, वाह ये देखो कितना बड़ा है, इसका एमू नाम है। ये देखिए सर उठा रहा कैसे, एमू है ये। कम हेयर, कम हेयर। हाय एमू, हाय बेबी, कैसे हो? उसका जीभ दिख रहा है, हाँफ रहा है वो। गर्मी से बेहाल है बेचारे, पानी भी नहीं मिल रहा उनको, पानी होनी तो देना चाहिए लोग को। देखो खाने को नहीं मिल रहा, कुछ ढूंढ रहे हैं। मार सकता है वो मोबाइल को। ये देखो नजदीक से, तो प्यास लगी थी तो बाहर हम लोग आ गए हैं घूम के, अभी गन्ने का जूस पी लेते हैं।